अगर सियासत होती तो यहाँ पर आपको बैनर होर्डिंग कुछ भी नजर आता? क्या यहाँ पर कोई भी बैनर होर्डिंग आपको कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। यही सियासत के खात्मे की शुरुआत है। जो लोग पुण्य के काम में भी सियासत करते हैं, उन लोगों की सियासत को समाप्त करने का मेरा यह अपना तरीका है। और पूरा देश हम लोग एक से कंधे से कंधे मिला करके इस पर्व को मनाते हैं। यही देश की शोभा है, यही अनेकता में एकता कहलाता है। बहुत अच्छा, आज दसवां दिन है। हाँ, आज लास्ट है, आज हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, फुल्ली एंजॉय करेंगे दोस्तों लोग के साथ। सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया परिवार की ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ पूजा झा। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के बड़ा बाजार मस्जिद चौक पे, जहां देखने को मिला है बहुत भीड़ है। आज दशहरा है, विजयदशमी है, आज के दिन बड़े ही पूरे देश में बड़े ही पर्व गर्व उल्लास के साथ मनाया जाता है। देख रहे हैं आप कि बहुत सारा भीड़ है, भीड़ जमा हो रहा है। दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा का दशमी दिन है। माना जाता है कि आज के दिन ही श्री भगवान राम ने आज रावण का दहन कर पूरे देश में हर्ष व उल्लास का जगमगाया हुआ था। आज के दिन माता सीता का मतलब वहां से रावण के वहां से लाया गया था। तो आइए यहां के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज कितनी खुशी मिल रही है इन लोगों को। सर, ये जो पानी बंटवारा हो रहा है, ये पुण्य का काम है या इसमें भी कोई सियासत है? सियासत आपके सामने में देख लीजिए। मेरी सियासत यही है कि जितने भी सियासतदान है ना, उनकी सियासत को खत्म कर दें। अगर सियासत होती तो यहाँ पर आपको बैनर होर्डिंग कुछ भी नजर आता? क्या यहाँ पर कोई भी बैनर होर्डिंग आपको कुछ नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। यही सियासत के खात्मे की शुरुआत है। जो लोग पुण्य के काम में भी सियासत करते हैं, उन लोगों की सियासत को समाप्त करने का मेरा यह अपना तरीका है। जी, विजयदशमी क्यों मनाते हैं, इसके बारे में कुछ कहिए। विजयदशमी भाई, आज बुराई पर अच्छाई की जीत का ये जश्न है। हम लोग भी सिर्फ हिंदू क्यों, हम सारी कायनात के जितने भी इंसान हैं इस दुनिया के, वो बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर आज जश्न मनाते हैं। और यही हम लोगों को संदेश भी देते हैं कि सारे लोग धार्मिक भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल हों, और इससे खटास घटेगी जो इतनी खटास आ गई है लोगों की जिंदगी में, उसको समाप्त करने का यही तरीका है कि लोगों के अंदर से जो कट्टरपन है वो समाप्त करें। पहले मैंने अपने कट्टरपन को शुरुआत की, मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी अपने कट्टरपन को खत्म करें। तो शुरुआत मैंने खुद से की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर पानी बांट रहे थे, किस मकसद से पानी बांट? मकसद यही है कि जो हिंदुस्तान का जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये विजयदशमी है, जो बुराई पे अच्छाई की जीत के खुशी में हम लोग हर साल जो है अंजुमन इत्तेहादे मिल्लत की तरफ से ये पानी वितरण का काम किया जाता है। अंजुमन इत्तेहादे मिल्लत हर साल इसी तरह श्रद्धालुओं को पानी पिलाती है। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो प्रतीक है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, जो प्रतीक यहाँ मधुबनी जिला और पूरा देश हम लोग एक से कंधे मिला करके इस पर्व को मनाते हैं, यही देश की शोभा है, यही अनेकता में एकता कहलाता है। आप लोग भसान देखने आए हैं? हाँ। क्या नाम है? झुनझुन कुमारी। कहाँ घर है आपका? मधुबनी में ही। कैसा लग रहा है आज दुर्गा पूजा के टाइम में? बहुत अच्छा, आज दसवां दिन है। हाँ, आज लास्ट है, आज हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, फुल्ली एंजॉय करेंगे दोस्तों लोग के साथ। पहले कोरोना के वैसे तो नहीं हो रहा था ना दुर्गा पूजा? नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों मनाते हैं आप दुर्गा पूजा? दुर्गा पूजा क्या अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मस्ती। Thank you.
आपका नाम क्या है सर? महंत गोपाल दास। शाहजहां सारी पानी बांट रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्गा पूजा के बारे में कुछ बताइए। दुर्गा पूजा विजयदशमी का जो है अंतिम समय होता है, जिसमें हम लोग विसर्जन मूर्ति का करते हैं, उसी अवसर पर श्रद्धालु भक्तों के लिए जो है मेयर के उम्मीदवार जो हमारे शाहजहां सारी भाई है, वो सारे श्रद्धालु भक्तों के लिए यहाँ ठंडा पेयजल का व्यवस्था किए हैं जी। और हमेशा जो है सो करते आते हैं, जो भी धर्मार्थ काम होता है उसमें हमेशा पानी का व्यवस्था थाना मोड़ पे और मस्जिद के पास उनकी ओर से हमेशा रहा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बात करते हैं यहाँ के भक्तगण से। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हुआ राजकमल सिंह, युवा कांग्रेस लीडर हुए मधुबनी। आज जो दुर्गा पूजा का भसान है, मतलब दशमी है, दशमी के इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज से 10 रोज पहले से हम लोग नवरात्र माँ भगवती माँ दुर्गा की पूजा के लिए 7 रोज इंतजार किए। जब माँ का पट खुला तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ, और आज के दिन जब माँ का विसर्जन हो रहा है तो सबको लग रहा है थोड़ा सा मायूसी है, लेकिन हमारे सब जात हिंदू हो मुस्लिम हो, खास के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अभी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम का बहुत ज्यादा राजनीति हो रहा है, उस सबको हम लोग हटा के अपने देश में पूरे देश में आज एक खुशी का माहौल दिए हैं। उसी माहौल में आज हमारे मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी जी हैं, जो आज पूरे हमारे श्रद्धालुओं के बीच पानी वितरण, क्योंकि आज इतनी प्रचंड गर्मी थी, उस प्रचंड गर्मी में आज शाहजहां अंसारी भाई पानी का वितरण कर रहा है, और हम लोग उनके साथ हैं। युवा कांग्रेस लीडर मेरा परिचय हुआ राजकमल सिंह नाम हुआ। जैसे खुशी का माहौल दिख रहा है सर, आज विजयादशमी है, आज रावण दहन का भी कुछ ऐसा होता है? जी जी, जब देश में सुर और असुर दो हाथ था, उसी समय से आज के दिन तो पूरे असुर जितने भी असुर समाज को खात्मा होगा और सुर राम राज स्थापित हुआ पूरे देश में, उसी खुशी में हम लोग आज कर रहे हैं रावण दहन। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।